हेलो नमस्कार। जय हिंद। रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी के लिए नई भर्ती आ चुकी है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए। इस वीडियो में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया गया है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने वाले हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाने के बाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, अथवा एक क्यूआर कोड भी दिखाया गया है इस वीडियो में, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो इसको स्कैन करके आप व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ जाएं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी CEN 5/2024 और CEN 6/2024 दो नोटिफिकेशन है इसमें। एक CEN 05/2024 है जो ग्रेजुएट लेवल पर है, और एक CEN 6/2024 है जो प्लस टू लेवल पर है। CEN 05/2024 जो ग्रेजुएट लेवल पर है, इसके लिए 8113 पोस्ट हैं टोटल, और CEN 6/2024 जो पोस्ट है उसके लिए 3445 पोस्ट है। ये अभी आपको डिस्प्ले नहीं होगा, एक दो दिन में अभी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, अभी फिलहाल ये डिस्प्ले हो रहा है ग्रेजुएट लेवल वाला, जिसके लिए नोटिफिकेशन संख्या है CEN 05/2024। इसके लिए 14/9/2024 से आप अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो 13/10/2024 को रात 12 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे। इसमें चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट इत्यादि के लिए पोस्ट हैं। ये सब 6 लेवल और 5 लेवल की पोस्ट हैं। 6 लेवल जो 4200 ग्रेड पे है, 5 लेवल जो 2800 ग्रेड पर की पोस्ट हैं, तो इसमें आ जाएंगी जब सब ये सब ग्रेजुएट लेवल के हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर के लिए 994 पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर्स के लिए 3144 पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 1507 पोस्ट है, और सीनियर क्लर्क के लिए 732 पोस्ट है, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 8113 पोस्ट हैं। 18 से 36 वर्ष इसके लिए एज लिमिट है। COVID-19 में वैकेंसी न आने के कारण आपको 3 वर्ष की अपर एज लिमिट में छूट दे दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप 3 वर्ष के अपर एज लिमिट में 3 वर्ष का छूट का फायदा उठा सकते हैं। ये CEN 6/2024 जो है अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, 21/9/2024 से स्टार्ट होगा, जो 20/10/2024 तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, तो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, जल्दी मिल जाएगा आपके सामने। ये लेवल 3 और लेवल 2 के वैकेंसी है। लेवल 3 2000 ग्रेड पे होता है, लेवल 3 2000 ग्रेड पे, और लेवल 2 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेनिंग क्लर्क, ये सब पोस्ट हैं, जिसके लिए 1833 पोस्ट। इसमें भी 3 वर्ष की आपको छूट देखने को मिल जाएगी। इसमें कुल मिलाकर 3445 पोस्ट हैं। आरआरबी की बात करें तो अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, इन आरआरबीज में कहीं भी आप आवेदन कर सकते हैं। आरआरबीज के लिए अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अलग से वीडियो में बताएंगे कि किस आरआरबी के लिए अप्लाई करना ज़्यादा बेटर होगा। तो वीडियो में पहले बने रहे, इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में आपको मैथ देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखने को मिलेगा, और GS देखने को मिलेगा, GS जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। मैथ और रीजनिंग, मैथ में क्या होगा और रीजनिंग में क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग हमारा सिलेबस नहीं है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। GS हमारा सिलेबस है, GS में हम पढ़ाएंगे और GS हम लोग देखेंगे। इस चैनल पर आपको GS देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चाहे GS में होगा करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में होगा, आर्ट कल्चर के बारे में होगा, इंडियन लिटरेचर साहित्य के बारे में, मॉन्यूमेंट स्मारक और प्लेसेज के बारे में, भारत में जो स्मारक और प्लेसेज ऐतिहासिक इमारतें इत्यादि है, जनरल साइंस और लाइफ साइंस के बारे में होगा, यानी कि बायोलॉजी से रिलेट्स करके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड्स,
के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में क्वेश्चन आएंगे, गवर्नेंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित, सरकार से संबंधित आएंगे, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस रिसर्च के बारे में और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भारत के संबंध में, इवन और अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूएन, डब्ल्यूटीओ इत्यादि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है सब उनके बारे में, इन्वायरमेंटल इश्यूज आप कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज इसके बारे में, बेसिक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित बेसिक क्वेश्चन इसमें से भी बनेंगे, कॉमन अब्रिविएशंस ये कंप्यूटर संबंधित है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में ट्रांसपोर्ट से परिवहन व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन भी बनेंगे, इंडियन इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड में फेमस पर्सनैलिटीज हैं, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, अगर फेमस पर्सनैलिटीज है तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम से संबंधित, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इस संबंधित, इससे संबंधित क्वेश्चन सब बनेंगे। इन सब टॉपिक्स का गहन अध्ययन करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसी चैनल पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जीएस से संबंधित सभी टॉपिक्स। हम आपको बता दें कि ये जो सिलेबस है, चाहे वो मैथ रीजनिंग का हो, ये चाहे ये जीएस वाला सिलेबस है, ये सिलेबस जो है कॉमन सिलेबस है। हमने आपको बताया कि दो नोटिफिकेशन है, CEN 05/2024 और CEN 06/2024। CEN 05/2024 जो ग्रेजुएट लेवल पर होगा और CEN 05/2024 जो प्लस टू लेवल का होगा, 10+2 लेवल पर होगा। तो ये दोनों के लिए सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन करके सिलेबस डिसाइड किया जाएगा। अभी जो सिलेबस हमने बताया वो कॉमन सिलेबस है दोनों के लिए, तो कॉमन सिलेबस है उसी सिलेबस में थोड़ा बहुत हेर फेर करके, इधर उधर करके, और इन दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस डिसाइड किया गया। ऑफिशियल रूप से सिलेबस डिसाइड किया जाएगा अभी जल्दी, क्योंकि ये वाला अभी तो आपको सामने दिख नहीं रहा है ना, तो इसलिए केवल यही दिख रहा है। तो जब दोनों आ जाएगा तो सिलेबस डिसाइड कर दिया जाए, उसके बाद आपको सिलेबस हम डिटेल्स में समझा देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाएंगी। RRBN TBCS के ग्रुप से जुड़ने के लिए ये QR कोड को आप स्कैन करके ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके RRBN TBCS के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। द्रोण GS रिसर्च सेंटर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।